अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? सब खैरियत, अमन, ठीक? अच्छा जी, मैं चाह रहा था आज ज़रा जो है ना वो बात हो हम लोगों की आमने सामने, तो मैं आपके सामने हूँ और बात मुझे ऐसी करनी थी कि जो है वो इस माशरे से थोड़ी जो है वो ऐसी है कि कड़वी सच्चाई जिसे बोल सकते हैं, गिव एंड टेक एक चीज़ होती है, ठीक, कि अगर हमें किसी ने कुछ अता किया है तो हम भी उसको बदले में कुछ अता करें, यानी अल्लाह ने अगर हमें कुछ दौलत दी है तो उस में से कुछ हिस्सा जो है वो हम उन लोगों को दें जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, तो वो हम देते हैं। कितने परसेंट लोग हैं जो देते होंगे? मुझे नहीं लगता कि जिनके पास ठीक ठाक दौलत है, ये एवरेज भी दौलत है, ठीक, तो वो लोग अपने कमाई का इतना, उनकी अगर कमाई है तो उसका इतना हिस्सा भी पूरे साल में देते होंगे किसी को, मुझे नहीं लगता। बाकी आप लोगों की सोच है यार, ऐसे लोगों की हम लोग क्यों हेल्प नहीं करते? बाकी सबकी तो बहुत हेल्प करते हैं। अब मैं इस तरह के अगर मैं बताना शुरू करूँगा ना कि किस तरह के लोगों की हेल्प करते हैं, तो ये मेरी भी जो वीडियो है ना इस पे एक जो है वो क्लेम आ जाएगा या स्ट्राइक आ जाएगा, कम्युनिटी गाइडलाइन का, या तो स्ट्राइक आ जाएगा या क्लेम आ जाएगा इस वीडियो के ऊपर, अगर मैंने खुल के बहुत ज़्यादा बात कर दी तो हल्के हल्के लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ यार, हम लोग कौन है? बेशक हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक, हमें लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा बनाया है, क्यों? क्योंकि बाकी कुछ लोग जो हैं, कुछ क्या मतलब करोड़ों लोग ही हैं वो भी, के जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, ठीक, ये सब चीज़ें उनके पास नहीं है, वो उन लोगों ने हम लोगों से आके हेल्प मांगी है, बाबा 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, खाना खाना है, इस तरह की बातें करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, धुतकार देते हैं, बाबा जाए यार काम करो यार, हाथ पैर होते हुए यार शर्म नहीं आती तुम्हारे को, और ये और वो, यार तुम्हें पता है उनकी मजबूरी क्या है? तुम जो है वो फिलोसफर बन जाते हो सबके सामने, कि 20 लोगों के सामने खड़े हो गए तुम उसको बंदे को अगले को जलील कर देते हो, उसकी क्या मजबूरी? चलो अगर वो मान लिया, तुम लोग सोच रहे हो कि वो, चलो वो नशे के लिए मांग रहा होगा अपने, यार हो सकता है कि वो कुछ और उसका चक्कर हो अगले का, हम लोग तो सोच लेते हैं कि यार इसकी आँखें यूँ हैं, आँखें तो मेरी भी ऐसी हैं भाई, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धुतकार देते हैं जिनको आम लफ्ज़ों में, आम जबान में हम लोग जिन लोगों को भिखारी, फकीर, मंगता, ये सब चीज़ें कहते हैं, इन लोगों की हम लोग हेल्प क्यों नहीं करते? आप लोग सोच रहे हो यार ये सारे बेड़े हैं, ये जो है ना ऐसे होते हैं, इनका माफिया चल रहा है, इनका तो पूरा गैंग होता है, वो चल रहा होता है बिल्कुल बेशक, मैंने बहुत सारे शोज़ में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, वहीं से आप लोगों को ये पार्ट पढ़ाया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रीट्स में, बता रहा हूँ कि जो है वो अंदर की साइड पे रोड से हटकर जो है वो वहाँ पे आए हुए होते हैं, वहाँ से मांग रहे होते हैं, वहीं पे मैंने देखा अक्सर बहुत सारे लोगों को कि वहीं पे सो रहे होते हैं, वहीं पे उनका दिन रात वहीं पे गुजर रहा होता है, वहीं पे खा पी रहे होते हैं, वहीं से कुछ मांग रहे होते हैं, वहीं पे हम उन लोग हमारे से कुछ मांगने आते हैं तो हम उनको धुतकार देते हैं, ये चीज़ यार सही नहीं है। अगर उनका खाने का और पीने का रहने का, हो सकता है यार अल्लाह ने हमें वसीला बनाया हो, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अल्लाह ताला ने जो है वो किसी के रिस्क का जो है वो अगर वो लिया है, जिम्मेदारी ली है, तो उसको वो रिस्क मिलके रहना है, हम नहीं देंगे कोई और देगा, लेकिन हम क्यों ना नेकी में पहल करें, हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम नेकी में पहल क्यों नहीं करते, हम लोग क्यों धुतकार देते हैं उनको, जा बाबा फकीर आ जाते हैं मांगने के लिए दूसरे शहरों से, और ये यार दूसरा शहर और ये सब चीज़ें क्या, ये एक मुल्क है, ठीक, जितना पाकिस्तान उन लोगों का है हमारा है, उन लोगों का भी उतना ही है, हम अगर किसी शहर में जाएं और हमारे को इस तरह को बोले, हमारे को तो फौरन गुस्सा आ जाएगा, लेकिन कुछ कर पाओगे? क्यों? क्योंकि वो भी वही सोच रखता है जो हम लोग रखते हैं, कि अबे मेरा शहर है ये तुम कराची में नहीं हो, तुम लाहौर में हो, वो इस तरह बोल देगा, 20 लड़के तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देगा, क्या कर लोगे?
इसी तरह की एक मैं बात बता रहा हूँ कि ये एक कम्युनिटी है जो मांगने वाले लोग हैं, तो इनके साथ हम लोग ऐसा क्यों करते हैं यार? 10-20 रुपए अगर उन लोगों की नीड है तो हम लोगों ने उनको दे देनी है, इस ये सोचकर कि हमने यार बस अल्लाह की राह में दिया है, ये सोच लिया करो कि बस हमने अल्लाह की राह में दिया। अब वो उसका जो है वो गलत इस्तेमाल करे, कुछ भी करे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमने ये अल्लाह उसने अल्लाह के नाम पर मांगा हमसे कि बाबा अल्लाह के नाम पर दे दो, हमने उसको अल्लाह के नाम पर दे दिया। अब हमारा उससे कुछ लेना देने नहीं, हमने जो पैसे निकाले वो उसके नाम अल्लाह के नाम हमने उसको बंदे को दे दिए। अब वो उसका खाना खाए, नशा करे, और जगह जाए, 20 जगह जाए, मांगे, कुछ भी करे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी बात आ जाती है कि यार अब बहुत सारे लोग मैं हम लोग देखते हैं कि जो है वो वही रोज़ का उनका होता है, नशा कर रहे होते हैं और सिर्फ नशे के लिए पैसे मांग रहे होते हैं, और हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं वो लोग, ठीक है मैं भी देखता हूँ, होते हैं ऐसे लोग। लेकिन क्या उन लोगों के साथ हम ये कर सकते हैं कि जब भी वो मांगना है आप उनको खाना खिला दो? कुछ भी नहीं करो यार, खाना खिला दो। मेरे ख्याल से 30-40 रुपये आपके खर्च होंगे, ज़्यादा नहीं, 30-40 रुपये, 50 रुपये मैक्सिमम, आप एक वक्त का उनको खाना खिला दो। बहुत से लोग मेरे पास भी, और वैसे भी मुझे मिलते हैं, मैं रोड पे चल रहा होता हूँ, वॉक कर रहा होता हूँ रात के वक्त, तो बोलते हैं बाबा खाना खिला दो, तो मैं बोलता हूँ आओ, बोलते पहले पैसे मांगते हैं, पैसे दे दीजिए। मैं बोलता हूँ नहीं, क्या भाई क्या करना है, 2 दिन से खाना नहीं खाया, घर में रोटी नहीं है, ये वो, बोलो खाना खाना है आ जाओ, मैं उनको खाना खिलाने लेके चलता हूँ, मैं करता हूँ, आई डू, ठीक। कोई मेरे साथ खड़ा हुआ, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ खड़ा होकर दोस्तों वगैरह के साथ, वैसे तो मैं बाहर का इतना नहीं खाता और दोस्त भी मेरे इतने हैं नहीं, लेकिन अभी कोई एक दो दोस्त अगर कोई मिल गया दूर से, टकरा गया, उसके बाद मैं खड़ा हुआ तो चलो यार आ जाओ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चलो यार आ जाओ जूस वगैरह पीते हैं, तो अगर कोई आ जाता है मेरे साथ तो उसको मैं वो इशारा कर देता हूँ बंदे को, यार इसको भी एक ज़रा दे दो। ये कर सकते हो आप, अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम पैसे देने से जो है वो हम गरीब हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, या पैसे देने से हमारा जो है वो ये हो जाएगा कि गलत है, हम लोगों ने गलत जगह पैसे दे दिया अल्लाह के नाम पर, यार अल्लाह के नाम पर दिए ना तो फिर गलत कैसे हुए, मुझे ये बताओ, अल्लाह के नाम पर ही दिए ना तुमने, तुमने तो अल्लाह के नाम पर दिए, तुमने नेकी कमा ली। अब वो अगला क्या कर रहा है वो उसका है, आपने क्या किया, आपके पास बंदा आया अल्लाह का नाम लेकर कि मुझे अल्लाह के नाम पर दे दो, ठीक, उसने मांगा अल्लाह के नाम पर, यानी वसीला बनाया आपको किसने, अल्लाह ने, आपने उसको पैसे दे दिए या उसको खाना खिला दिया, जो करना था आपने कर दिया, क्या हुआ, अल्लाह ताला खुश हुआ, अल्लाह ने उस एक नेकी के बदले आपको कितनी बेशुमार नेमतें, उस मालिक का जो है वो करम एहसान है कि उसने हमें कितनी चीज़ों से नवाजा हुआ है, और अल्लाह ताला ने और लिख दी कि इस बंदे को और दो ताकि ये मेरे बंदों में और तकसीम करे और बांटे, ये चीज़ होनी चाहिए। हम लोग धुतकार देते हैं, अरे बाबा जाओ यार जाओ यहाँ से, दिमाग नहीं ख़राब करो, भूल दिया ना एक बार, घर को यहाँ से, मैंने तो लोगों को ये देखा गालियाँ देते थे, ये तक सुना हूँ मैं, और मैं ऐसे देख रहा था कि बस दिल चाहता है मैं उसका मुंह का जो है वो मैं डिज़ाइन बदल दूँ, कि जब ऐसे लोगों को गालियाँ दे रहा होता है, बूढ़ी औरतें होती हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो इतने बूढ़े जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा आजिज़ी से मांग रहे होते हैं, बहुत आजिज़ी से, बेटा थोड़ी सी 5-10 रुपये की मदद हो जाएगी, बहुत आजिज़ी से मांग रहे होते हैं, और उनको एक बार अगर बोल देना बाबा माफ़ करो वो चले जाते हैं, लेकिन जो यंग है ना थोड़े, वो बदमाशी कर रहे होते हैं एक तरह से, अरे यार दो ना यार, अरे यार इतने तो दे दो, 5 रुपए से क्या होगा, 10 रुपए से क्या, अबे भाई तुझे क्या, हम 5 रुपए दें तो 10 रुपए दें, तुझे लेना है ले, नहीं लेना नहीं ले, हम दे तो रहे, मैं भी खाना नहीं खाया यार बदमाशी, यार उनका एक ये लहजा है, चलो वो नशे की हालत में थे या उन्होंने वाकई ही खाना नहीं खाया हुआ होता, ऐसा भी होता, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को ये नहीं करना है कि यार धुतकार देना उन लोगों को, हमें जो है वो उनकी हेल्प करनी है, अल्लाह के नाम पर मांगने आया है, ठीक, हमने अल्लाह के नाम पर उनको दे दिया, ख़त्म बात। अब हमें जो है वो हमें किसी चीज़ से उम्मीद नहीं रखनी, हमें रखनी है उम्मीद अल्लाह ताला से कि
कि हमें इसका अजर जो है वो अल्लाह देगा, बंदे से कौन उम्मीद रखे, बंदे से क्या उम्मीद रखनी किसी को। हाँ, हमको वसीला बनाया है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दर पे और हमारे जो है वो पास आकर कोई बंदा जो है वो मांग रहा है कि हमें खाना चाहिए या हमें थोड़ा पैसा चाहिए कि हम जो है वो अपने घर वालों को भी खिला सकें। तो आप लोगों को ही देखना चाहिए कि हाँ यार वाकई, और आप थोड़ी सी अगर जो है वो उस चीज़ पे आगे जाएं, इस पे रिसर्च करें कि देखें अगर वाकई किसी को घर में किसी की ऐसे नीड है वाकई, तो यार आपका कुछ नहीं जाएगा, 1,000-2,000 रुपये से आप उनकी हेल्प कर दो। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ आप लोगों का इतना पैसा जाएगा, कोई सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी। बस ये मेरा मैसेज है, क्योंकि मैं अक्सर यकीन करें आप लोग कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और घर आता हूँ तो मेरा ऐसे रोने का दिल हो रहा होता है कि यार बस उन लोगों का सोच के कि यार मेरे पास काश जो है वो अरबों रुपया होता तो मैं इन लोगों में कितना तकसीम करता, मेरा ये दिल होता है। और मैं वाकई अगर मेरे पास अरबों रुपया आ जाए ना तो मैं जो है वो एक साथ ही सारा लुटा दूंगा, यकीन करें। क्योंकि मुझे उस कागजात पे, मेरे मालिक मेरे अल्लाह पे यकीन है कि मैं 1 अरब रुपये इन पे लुटा दूंगा ना तो वो मुझे और देगा, फिर उसमें से आधा मैं रख लूँगा, बाकी आधा कर दूंगा। तो इस तरह की आप जो है वो पॉजिटिव सोच रखें, वो बेशक मांगने वाले हैं। आप हम लोग जो उनको नाम से पुकारते हैं भिखारी, मंगते, फकीर, वो हैं ठीक, लेकिन ये सोचकर आप उनको दे दिया करो कि यार इनको जो है ना अल्लाह ने भेजा है, हमको वसीला बनाया है, हम लोगों को थोड़ी मदद तो करनी चाहिए। अब वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे हमारे को गर्ज होना चाहिए। वो जिसके नाम पर मांग रहा है, जिस पाकजात के नाम पर मांग रहे हैं, हमें उसकी हेल्प जो है वो उस नाम के लिए करनी चाहिए। तो यार बस यही है, अब वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, मुझे पता है बहुत कंफ्यूज आएंगे, लेकिन ये बात है कि अगर एक बंदा भी इस चीज़ को देख ले और